सभी मित्रों को नमस्कार। मैं ध्रुव लाल यादव, बीसीटी गणेश नगर, नई दिल्ली से। दोस्तों, भोजपुरी लोकगीतों में बनाने से संबंधित बहुत ढेर सारा जानकारी आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं से लेकर आते रहते हैं। बीसीटी के माध्यम से हम अपने उन दोस्तों से और ढेर सारे ऐसे काम करने वाले मित्रों से मुलाकात कराते हैं कि जिससे आप कुछ सीख पाएं, कुछ भविष्य में कर पाए। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, क्योंकि हमारे बहुत से मित्र कमेंट करके पूछते रहते हैं, कहते हैं कि भैया, एक गाना वायरल होने पर कंपनी कितना पैसा देती, या गाना वायरल होने पर क्या मिलता है, कंपनी से क्या उम्मीद रखा जाए। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। या आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, किसी भी प्रकार का सवाल है, तो आप कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जैसे आज मैंने एक कमेंट को शामिल किया है, वैसे ही आपके नाम के साथ आपके कमेंट को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आते हैं विषय पर, यानी कि जिस पर आज हमें आप लोगों से बातचीत करना है कि एक गाना वायरल होने पर कितना पैसा मिलता है, या क्या मिलता है, या कंपनियां देती क्या हैं। तो दोस्तों, बताते चलें कि कोई गाना जब वायरल होता है तो उसका एक बहुत लंबा ऑडियंस बन जाता है, उसको जानने वाले चाहने वालों की तादाद बहुत बड़ी हो जाती है। इससे क्या होता है कि जब आप डिमांडेड हो जाते हैं तो तमाम कंपनियों के लिए भी आप डिमांडेड हो जाते हैं। जैसे पब्लिक के लिए डिमांडेड हैं तो कंपनियों के लिए भी आप डिमांडेड हो चुके हैं। होता क्या है कि जब कोई सॉन्ग आपका वायरल होता है तो आपके सॉन्ग के साथ साथ आपका वैल्यू, आपका फेस वैल्यू, आपके नेम का वैल्यू, आप जिस स्टूडियो से गाते हैं उसका वैल्यू, आप जिस कंपनी से गाते हैं उस कंपनी का वैल्यू, मतलब कि एक गाना वायरल होने पर वह स्टूडियो, वह कंपनी, वह कंपनी मालिक, वीडियो डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, जितने भी होते हैं सबका वैल्यू बढ़ जाता है। यानी कि आप डिमांडेड हो जाते हैं, पब्लिक के नज़र में आ जाते हैं, और पब्लिक के नज़र में जो आ गया वही जो है भविष्य का विजेता होता है, एक हिसाब से अगर मान के चलिए। आप वायरल हो चुके हैं, हिट हो चुके हैं, अब कितना मिलता है या कितना देती हैं कंपनियां, यह सवाल नहीं रह गया। अब रह जाता है कि अगला कंटेंट आप कितने पर डील करोगे, या उस कंपनी से आपका कितना बनता बैठता है, या किस हिसाब से मैनेज करते हैं आपको, या किस हिसाब से आपने उस कंपनी को एग्रीमेंट कर रखा था। यानी कि इसमें बहुत बड़ा भूमिका ये भी होता है कि भाई, कंपनियों के साथ जब कोई एग्रीमेंट करके काम करता है तो कंपनियां दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करती हैं और 100% गाने को वायरल कराने की कोशिश करती हैं, जिसमें से मान के चलिए कि 70% से लेकर 95% तक बहुत सी कंपनियां कामयाब भी होती हैं कि अपने सिंगर को वायरल करा ले जाएं। उससे पहले का सिंगर और कंपनी के बीच में हुए डील को महत्व देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एक गाना वायरल होने पर किस प्रकार का आपका कंपनी और आपके बीच में डील हुआ था, वो चीज़ देखना जरूरी होता है। कभी कभार क्या होता है कि बहुत सी कंपनियां जब कोई सिंगर उनका वायरल होने लगता है तो उनको बैक टू बैक कंटेंट देना शुरू कर देती हैं, और जो सिंगर समझदार होते हैं वो कंपनियों के साथ अपना तालमेल बैठाकर परमानेंटली वर्क करते हैं। जो आज एक गाना वायरल हुआ है, उसी एक गाने वायरल होने की वजह से उसके पीछे बैक टू बैक कंटेंट देख के अपना मार्केट वैल्यू एकदम मजबूत कर लेते हैं। अगर इतना आप नहीं कर सकते, या हमारे बहुत से मित्र उतना नहीं कर सकते हैं, एक ही गाना वायरल होने के बाद वो उनका क्या हो जाता कि थोड़ा भाई सब कुछ बदल जा चुका होता है एक गाना वायरल होने के बाद, तो हमारे बहुत से मित्र डिसीजन नहीं ले पाते हैं और थोड़े में ही भटक जाते हैं। भटकने के बाद उनका कैरियर और काम करने का तरीका बदल जाता है, फिर वो घुमा फिरा कर उसी जगह पे आ जाते हैं। तो एक गाना वायरल होने के बाद कितना क्या मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपके एग्रीमेंट और आप और कंपनी के बीच
में क्या संबंध है, किस हिसाब से काम करने का डन हुआ था, किस हिसाब से आप और कंपनी डील कर रखे हैं, इस पे डिपेंड करता है। साथ साथ में दोस्तों, अगर मान लिया आप अपना गाना स्वयं के चैनल पर चढ़ाते हैं तो वायरल होने का कई तरीका होता है। कभी कभार क्या होता है, कोई कीवर्ड मैच कर गया किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, किसी भी स्टार सिंगर के ऑडियो वीडियो से संबंधित आपका कंटेंट का कोई भी कीवर्ड अगर मैच कर गया तो वायरल हो गया। मान लिया लोगों ने उस पर क्लिक करना शुरू कर दिया, व्यूज बहुत ज़्यादा आ गए, लेकिन ऑडियंस रिटेंशन कम होने की वजह से क्या होता है कि उस पर पैसे कम आते हैं, और जब पैसे कम आते हैं तो उस पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना पैसा आप कमा पाओगे एक वायरल गाने पर। कभी आप 5,000 भी कमा सकते हो, 10,000 भी कमा सकते हो, लाखों रुपए भी कमा सकते हो, वो आपके व्यूज और ऑडियंस रिटेंशन पर डिपेंड करता है कि आपके कंटेंट पे लोगों का वॉच टाइम कितना है या आपका कंटेंट कितना यूजफुल है। दोस्तों फिर से आते हैं कि एक गाना वायरल होने पर क्या और कितना मिलता है। दोस्तों एक ही गाना वायरल होने पर लोगों के लाइफ बन जाते हैं, लोग करोड़ों में खेलते हैं। बस मायने ये रखता है कि आपका गाना किस प्रकार का है, किस प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ है, उसको देखने वाले ऑडियंस कौन से हैं। भाई कई कैटेगरी है इसमें, जैसे मान लिया आप कोई बहुत साफ सुथरा गाना गाते हो तो जो बढ़िया रिलैक्स वाले, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, पैसा है सब कुछ है लेकिन वो रिलैक्स फील नहीं कर पाते तो अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं। अब उनके पास टाइम भी है, पैसा भी है, बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, आपको बुक करा लिए, मोटी रकम पा गए आप। कहीं कहीं क्या होता है कि जब आप फूहड़ गाने गाते हैं, बलगर गाने गाते हैं, तो बलगर गाने पर और फूहड़ गानों पर क्या होता है, ऑडियंस रिटेंशन तो चलो ठीक ठाक मिल जाता है, कभी कभार बहुत ठीक ठाक नहीं मिलता, डाउन भी रहता है, तो वहाँ पर ऐड भी उसी टाइप से प्ले होते हैं, एकदम सस्ता ऐड प्ले होते हैं, तो उसमें कमाई भी बहुत कम होता है और बुकिंग भी कोई आपको करेगा तो उस हिसाब से आपको वैल्यू नहीं मिल पाएगा जिस हिसाब से मिलना चाहिए, जिस हिसाब से आपके व्यूज़ हैं या कंटेंट या गाना वायरल है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो पब्लिक के बीच में, आप किस प्रकार से वायरल हुए हो, आपका गाना किस प्रकार से वायरल हुआ है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट आप बनाए हैं लोगों को कितना यूजफुल लग रहा है, मतलब किस प्रकार का है, ऑडियंस कैसे देख रही है, कितना वॉच टाइम जा रहा है, ये सब चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से मित्र नहीं समझ पाते हैं और चक्कर में रहते हैं कि एक गाना वायरल होने पर हमें कंपनी क्या दे देगी। ऐसा नहीं होता, देने तो बहुत कुछ दे देती है और कभी कभी बहुत भी वायरल हो जाने पर कुछ नहीं मिलता है। आपने देखा होगा भोजपुरी में हमारे ऐसे ऐसे सिंगर आए हैं कि जिनके एक गाने एकदम तहलका मचा दिए हैं पूरे भोजपुरी में, और आज के समय में अगर देखा जाए तो वो कहीं भी नहीं दिखते। हम कुछ सिंगरों के नाम भी गिना देते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे एक समय में सनी कुमार सनिया का खूब गाना आपने सुना होगा, वही रे जगहिया दाते काट ले ले राजा जी करके, तो डीजे पर इतना बजा कि एकदम रिकॉर्ड तोड़, बहुत वायरल हुआ। आज के टाइम पे सनी कुमार हैं लेकिन गाना या वायरल होने का, जो आपने सुना होगा भरत भोजपुरिया भाई साहब को बाय द वे मिलते रहते हैं, इनके भी कुछ गाने बहुत दबा के चले हैं, एंगल म्यूजिक से वायरल हुआ था एक गाना, इतना वायरल हुआ कि भाई चारों तरफ बजा। और एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, हमर राजा जी दिन में न बोले, मुन्नी लाल प्यारे जी, ये भी गाना बहुत बजा। तमाम गाने आप लोगों ने सुना होगा आए दिन वायरल हुए, लेकिन वायरल होने के बाद धीरे धीरे लोग मार्केट से विलुप्त तो होते गए। रीज़न कंपनी और सिंगर के बीच में जो मैनेजमेंट होता है, या एक गाना वायरल हो जाने से सब कुछ नहीं हो जाता, जो पब्लिक कैपेसिटी या जो उस टाइम पर आपको वैल्यू मिलता है उसको बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, इसको ध्यान में रख के काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग समझ पाए होंगे कि एक गाना वायरल होने पर कितना क्या मिलता है और कैसे मिलेगा। अब मिलेगा भी, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, बहुत कुछ आप पा जाते हो, लेकिन उसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात होता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय देकर VCT पर विजिट किया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा,
चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।